हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। ग्रेटर टोरंटो एरिया में शदीद बारिशों, बादलों और फिजाई आलूगी का खतरा। एनवायरमेंट कैनेडा की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया, शहरियों को एहतियात का मशवरा। कनाडा में महंगाई की शरह 2 सालों की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। पेट्रोल की कीमतों में कमी महंगाई में कमी की अहम वजह करार। पेट्रोल की कीमतों में औसतन 18% से ज़ायद कमी वाक़ हुई है। कैनेडियन हुकूमत से नए ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कानून पर कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मेटा हुकाम का कहना है कि हम कैनेडा में खबरों की दस्तियाबी को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं। गूगल का कहना है कि वो खुद खबरों तक रसाई को रोकने के करीब पहुंच गया। सऊदी अरब समेत दीगर खलीजी रियासतों में ईद उल अजहा की रौनकें। हरमैन शरीफैन में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात हुए। रूह परवर इज्तिमात में उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। अमेरिका में भी ऑडियो लीक के चर्चे। ट्रंप का खुफिया सरकारी दस्तावेज गैर कानूनी तौर पर पास रखने का एतराफ। अमरीकी नशरियाती इदारे ने डोनाल्ड ट्रंप की अपने स्टाफ के साथ गुफ्तगू जारी कर दी। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। जस्ट टॉस एन इको फ्रेश डिटर्जेंट स्ट्रिप इनटू द वॉशर फॉर अ कन्वीनियंट इको फ्रेंडली येट पावरफुल वॉश। हाइपोएलर्जेनिक, सेफ फॉर सेंसिटिव स्किन। से नो टू बल्की प्लास्टिक जग्स एंड बॉटल्स। नो मोर मेजरिंग एंड स्पिलिंग। Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी, वर्क, पीएनपी एंड पीआर वीजास, गेट स्टार्टअप वीजास, वर्क परमिट एंड बिजनेस वीजास। वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। लाइटो इमिग्रेशन। एनवायरमेंट कैनेडा की जानिब से ग्रेटर टोरंटो एरिया में आवाम को शदीद बारिशों, बादलों और फिजाई आलूदगी की आला सतह के हवाले से खबरदार किया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एनवायरमेंट कैनेडा की जानिब से ग्रेटर टोरंटो एरिया में आवाम को शदीद बारिशों, बादलों और फिजाई आलूदगी की आला सतह के हवाले से खबरदार किया गया है। टोरंटो शहर के लिए जारी करदा मौसमी एडवाइजरी में कौमी मौसमियाती एजेंसी ने कहा कि किसी भी वक्त कमजोर लैंड स्पॉट तूफान पैदा हो सकता है। एनवायरमेंट कैनेडा ने टोरंटो के लिए हवा के मयार का खसूसी बयान जारी किया है, क्योंकि जंगल की आग का धुआं शहर और जीटीए के गिर्दोनवाह को अपनी लपेट में ले लेगा। हवा के मयार के बयान के एक हिस्से के तौर पर कैनेडा की मौसमियाती एजेंसी ने बताया कि मंगल की रात जंगल की आग से उठने वाले धुएं की वजह से फिजाई आलूदगी की बुलंद सतह पैदा होगी। ऑन्टेरियो के हवा के मयार का इंडेक्स फिलहाल टोरंटो के मरकज में बुध के लिए 9 दर्जाबंदी पर है, जिसे ज्यादा खतरा समझा जाता है। जीटीए के दीगर हिस्सों बशमूल मिसिसोगा, ब्रैम्पटन, बर्लिंगटन और ओकविल में बुध के लिए ग्रेट 9 और हाई रिस्क की दर्जाबंदी भी मौजूद है। एनवायरमेंट कनाडा ने कहा कि शुमाल मशरकी ऑन्टेरियो और क्यूबेक के जंगलात में लगी आग से उठने वाले धुएं के बादल आज रात इस इलाके में चले जाएंगे, जिसके नतीजे में हवा का मयार खराब होगा। जुमे को कुछ इलाकों में हालात बेहतर हो सकते हैं। जंगल की आग का धुआं हर एक की सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है, यहाँ तक के कम तादाद में भी। हर कोई जंगल की आग के धुएं से अपनी नुमाइश को कम करने के लिए कार्रवाई कर सकता है। धुआं शुमाल मशरकी ऑन्टेरियो और क्यूबेक में 100 से ज्यादा जंगल की आग का है, और ये सिर्फ टोरंटो ही नहीं है जो इसके असरात देख रहा है। नासा ने हाल ही में इत्तला दी है कि कनाडा की जंगल की आग यूरोप तक पहुँच गई है। सेटेलाइट की तस्वीर में बहरे ओकियानूस के ऊपर से पुर्तगाल, स्पेन और मगरबी यूरोप तक बड़े पैमाने पर फैली हुई आग को दिखाया गया है। कनाडा की अफराते जर की शरह 3.4% तक कम हो गई, जो तकरीबन 2 साल की कम तरीन सतह है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा की अफराते जर की शरह 3.4% तक कम हो गई, जो तकरीबन 2 साल की कम तरीन सतह है।
स्टैटिस्टिक्स कनाडा के मुताबिक पेट्रोल की कीमतों में तेजी से कमी आई। कनाडा की अफरात ज़र की शरह मई में गिर गई क्योंकि यूक्रेन पर रूसी हमले की वजह से महंगाई के झटके ज्यादातर कम हो चुके हैं, लेकिन माहरीन इक्तिसादियात अब भी बैंक ऑफ कनाडा से अगले माह शरह में एक और इजाफे के साथ आगे बढ़ने की तवक्को कर रहे हैं। अप्रैल में नजर आने वाली 4.4% रफ्तार से ये एक अहम सुस्त रवि है, जिसकी वाहिद सबसे बड़ी वजह पेट्रोल की कीमतों में कमी थी। जिसे हटा दिया जाए तो अफरात ज़र की शरह 4.4% हो जाएगी। पेट्रोल की कीमतों में औसतन 18% से ज्यादा कमी वाकिया हुई है, जो गुज़िश्ता साल इस मरतबा रिकॉर्ड की गई बुलंदियों के मुकाबले में महंगाई की मजमूई शरह को खुद ही नीचे लाने के लिए काफी थी। लेकिन सार्फिन की कीमतों में सुस्त रवि की सुर्खी के नीचे जिंदगी गुजारने की लागत के बहुत से पहलू अब भी मुतासर कुन रफ्तार से बढ़ रहे हैं। ग्रोसरी की कीमतें तकरीबन 9% की रफ्तार से बढ़ गई, यह अप्रैल में 9.1% की रफ्तार से बमुश्किल कम है और अब भी अफरात ज़र की शरह से तकरीबन 3 गुना है। 2021 के आखिर से खुराक की कीमतें सरकारी अफरात ज़र की शरह से तेज रफ्तारी से बढ़ रही हैं। कनाडा में मेटा के पब्लिक पॉलिसी के सरबराह का कहना है कि वफाकी हुकूमत के साथ नए ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कानून पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा में मेटा के पब्लिक पॉलिसी के सरबराह का कहना है कि वफाकी हुकूमत के साथ नए ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कानून पर कोई बातचीत नहीं हो रही है और सोशल मीडिया देव अपने प्लेटफॉर्म से कनाडा की खबरों को हटाने की धमकी पर आगे बढ़ रहा है। रेचल कोरेन का कहना था कि हम कनाडा में खबरों की दस्तियाबी को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल C-18 गुज़िश्ता हफ्ते कानून बन गया। कानून के मुताबिक गूगल और मेटा जैसी बड़ी टेक कंपनियां मीडिया आउटलेट्स को उन खबरों के मवाद के लिए अदायगी करें जो वो शेयर करते हैं या बासूरत दीगर अपने प्लेटफॉर्म्स पर दोबारा इस्तेमाल करते हैं। मेटा ने कहा है कि वो साल के आखिर तक अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म से खबरों को हटाकर कानून की तामील करेगी। सकाफती विरसे के वजीर पैब्लो रोड्रिगर ने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि लिबरल हुकूमत मेटा के साथ एक मुआहदे पर बातचीत कर सकती है जो खबरों को कंपनी के प्लेटफॉर्म्स पर दस्तियाब रहने की इजाज़त देता है और C-18 में वजह करदा कवानीन पर भी अमल करता है। लेकिन रेचल कोरेन का कहना है कि बिल के साथ बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। जैसा कि लिखा गया है, हमारी रफ्तार तय है, इस बिल के फ्रेमवर्क से बाहर बातचीत का कोई तरीका नहीं है। गूगल ने कहा कि वो खुद खबरों तक रसाई को रोकने के करीब पहुँच गया है क्योंकि बिल C-18 पास होने के करीब है, लेकिन रोड्रिगर्स के साथ 11 घंटे की मीटिंग के नतीजे में कंपनी ने फैसले में ताखिर की। कंपनी ने कहा कि उसने जारहाना अंदाज में रोड रिक्स का पीछा किया है ताकि वो कानून साजी पर अपनी नाराजगी का इजहार कर सके। सऊदी अरब, खलीजी ममालिक, अमरीका, यूरोप, कनाडा, मलाशिया और इंडोनेशिया समेत दुनिया के कई खितों में ईद उल अजहा मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। इस मौके पर मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमा मुनक़िद हुए। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब, खलीजी ममालिक, अमरीका, यूरोप, कनाडा, मलाशिया और इंडोनेशिया समेत दुनिया के कई खितों में ईद उल अजहा मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। इस मौके पर मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात मुनक़िद हुए। ईद उल अजहा के मौके पर मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबी में नमाज ईद के इज्तिमात हुए और लाखों फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की। इन रूह परवर इज्तिमात में उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआएं की गयी। मक्का मुकर्रमा और मस्जिद नबी में लाखों अफराद ने नमाज ईद अदा की। मैदान अरफात में रूह परवर मनाजिर देखे गए। फिजा में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद है। दुनिया भर से आए लाखों हुज्जाज कराम की जानिब से सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी जारी है। हुज्जाज रमी जमरात के बाद कुर्बानी करेंगे और फिर सर मुंडवा कर अहराम खोल देंगे। हुज्जाज कराम मस्जिद अल हराम पहुँच कर तवाफ़ ज़ियारत के बाद वापस मिना लौट जाएंगे, जहाँ वो मजीद 2 रोज़ क़याम के दौरान रमी करेंगे। गुज़िश्ता रात हुज्जाज कराम ने खुले आसमान तले मुज़दलफ़ा में क़याम किया और रमी के लिए कंकरियाँ जमा की। हुज्जाज 11 ज़िलहज यानी कल शयातीन को कंकरियाँ मारेंगे और इबादत के लिए मिना में ही ठहरेंगे। 12 ज़िलहज को भी तीनों शैतानों को कंकरियाँ मारी जाएंगी। 13 ज़िलहज को रमी के बाद मनासी के हज की तकमील हो जाएगी, जिसके बाद हुज्जाज मक्का मुकर्रमा जाकर मस्जिद हराम का तवाफ़ करेंगे। इस साल दुनिया भर से 20 लाख और पाकिस्तान से तकरीबन 1,52,000 मुसलमान मैदान अरफात में इबादत में मसरूफ रहे। खलीजी ममालिक, दुबई, बहरीन, कुवैत, अमान में भी सुन्नत इब्राहिमी का फरीजा अदा किया जा रहा है। उधर अमरीका, ऑस्ट्रेलिया,
जापान और दीगर ममालिक समेत यूरोप में मुकीम मुसलमान भी ईद उल अज़हा मना रहे हैं और सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी कर रहे हैं। नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए जानवर कुर्बान किए जा रहे हैं। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी है। अमरीका में भी ऑडियो लीक की गूंज। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भी खुफिया दस्तावेजात अपने पास रखने से मुतालिक ऑडियो लीक हो गई। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के बाद अमेरिका में भी ऑडियो लीक होने लगी। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुफिया सरकारी दस्तावेज गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखने का एतराफ कर लिया। ट्रंप की खुफिया दस्तावेज अपने पास होने की ऑडियो मंजर आम पर आ गई। खुफिया ऑडियो साल 2021 की बताई जा रही है। अमेरिकी नशरियाती इदारे ने डोनाल्ड ट्रंप की अपने स्टाफ के साथ गुफ्तगू जारी कर दी। ऑडियो में ट्रंप खुफिया दस्तावेज अपने पास होने का एतराफ कर रहे हैं। ऑडियो में ट्रंप अपने स्टाफ मेंबर्स, एक राइटर और एक पब्लिशर के साथ खुफिया दस्तावेज पर अहम गुफ्तगू करते हुए एतराफ करते हैं कि उन्होंने बगैर इजाजत खुफिया दस्तावेजात अपनी तहवील में रखी हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली के हवाले से बात कर रहे हैं कि जनरल मार्क का कहना था कि ट्रंप ईरान पर हमला करना चाहता है। ट्रंप इस बात का भी एतराफ़ कर रहे हैं कि उनके पास खुफिया दस्तावेजात हैं। नशरियाती इदारे के मुताबिक 2021 की मुबैना गुफ्तगू के वक्त ट्रंप सदर के अहदे पर नहीं थे। दौरान बातचीत भी ट्रंप सफात पलटते रहे और खुफिया दस्तावेज अपने पास होने का बताते रहे। डोनाल्ड ट्रंप पर यह भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने हसास अमरीकी राज ऐसे लोगों के साथ शेयर किए जिनके पास सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं थी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक साबिक सदर के खिलाफ मुकदमे की समाअत 14 अगस्त को होगी, लेकिन इसमें ताखीर का इम्कान है। एक जज ने अभी तक इस्तगासा की इस तहरीक पर फैसला नहीं सुनाया, जिसमें से उसे 11 दिसंबर तक मुलतवी करने की दरख्वास्त की गई है। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।